तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक जो व्यूअर है उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो बेसिकली उनके पास दो अलग अलग डेटा शीट या डेटा फाइल कर लीजिए, जैसे डेटा वन एंड डेटा टू, और उसको प्रिंट करना चाहते हैं। वो बोलेंगे सर प्रिंटिंग में क्या दिक्कत है। तो बेसिकली उनके पास दो प्रिंटर, जैसे मेरे सिस्टम में दो प्रिंटर, एचपी है और एक एप्सन है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट है और एक कलर है, तो उनका क्या होता है कि वो गलती से कलर वाले पे दे देते हैं, दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट पे दे देते हैं। मतलब कि जो डेटा वन है उनका एक रिपोर्ट है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है, डेटा टू एक फॉर्मेट है जिसको कलर में प्रिंट करना है। तो प्रिंट करते समय कन्फ्यूजन हो जाती है और वो दिक्कत कर देते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि प्रिंट का एक ऑप्शन बनाए कि मैं क्लिक करूं, तो अगर मैंने सीट वन पे प्रिंट किया तो हमारा प्रिंटर वन से प्रिंट होना चाहिए, और डेटा टू को हमने प्रिंट किया तो प्रिंटर टू से प्रिंट होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम तैयार करना है। विजय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर। एक कौन है, मोहम्मद छोटे मुमीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक का हेडफोन वर्क नहीं कर रहा है। तो अनिल जी एंड अतीश जी, जाहिद जी। यस सर। यस सर, आ रही आवाज। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। तो किसी ने मुझसे इस सवाल पूछा था, तो हमने बोला ठीक है मैं आज की क्लास में इसको डाल दूं। तो अब हम बात करते कैसे डालें। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक प्रिंट एरिया सेट कर लीजिए, हालांकि नहीं भी सेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रिंट एरिया सेट करने पे दिक्कत होता है, या फिर डायरेक्ट हम यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी हेल्प ले सकते हैं कि माइक्रो रिकॉर्ड कर लें और प्रिंटर प्रिंट में हमने एप्शन को सिलेक्ट कर लिया और हमें एक पेज को प्रिंट करना है वन टू वन। और मान लीजिए मुझे लेटर हेड कौन सा चाहिए, मुझे लेटर हेड पे नहीं A4 पे प्रिंट करना है, और फिर हम प्रिंट का कमांड दे देते हैं, प्रिंटर में चला गया। तो सबसे पहले ये जानना है कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकती है माइक्रो में। इसकी कोड एक बार देख लेते हैं, क्या रिकॉर्ड में कोड क्या किया। यस, ये रहा रिकॉर्ड, इतना बड़ा कोड बना दिया, लेकिन इतना बड़ा कोड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रिंट प्रिंट कम्युनिकेशंस ये आपका आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंट एरिया, इसको भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिंट सेटअप है, प्रिंट कम्युनिकेशन हीडर फूडर एक्सी प्रिंट कमेंट ऑटोमेटिक लाइन हेडिंग, नहीं ये गलत किया है, इसी कोई जरूरत नहीं है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। एक आपके पास प्रिंट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन नहीं, एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्टेड शीट प्रिंट आउट फ्रॉम वन टू वन कॉपी वन कोलेटेड ट्रू करना प्रिंट प्रिंट एरिया, नहीं ये भी लिखने की जरूरत। तो हमें सीट को प्रिंट करना है, जैसे मुझे सीट वन को प्रिंट करना है प्रिंट प्रिंट आउट। अब यहाँ पे फ्रॉम टू कॉपी प्यू एक्टिव प्रिंटर प्रिंट टू फाइव, ये चीजें हैं। तो हमने बोला कि एक से एक को प्रिंट करना है, कॉपीज भी एक ही करना है, प्रीव्यू फॉल्स, प्रीव्यू नहीं चाहिए हमें। और एक्टिव प्रिंटर में, अब एक्टिव प्रिंटर में आपको अपना प्रिंटर का देना है कि भाई आपका एक्टिव प्रिंटर क्या होना चाहिए, समझ गए?
तो एक्टिव प्रिंटर मैं एक काम करता हूँ, एक्टिव प्रिंटर में देता हूँ एप्सन L380 सीरीज। प्रिंटर का नेम दे दीजिए यहाँ पे, जैसे कि एप्सन L380, ऐसे इसका नाम इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। हालांकि मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है, इस कारण से ये प्रिंट नहीं लेगा, वरना ये आपका सीट वन प्रिंट कर देगा। प्रिंट हो रहा है, हो रहा है ना सर? अब यही में मैं प्रिंट देते समय आप दूसरा, इसमें एक हो गया, आप दूसरा मैक्रोम बनाते हैं जो कि हमारा सीट टू होगा, सीट टू प्रिंट आउट, और इसमें प्रिंटर का नेम हम अलग कर देंगे, जैसे कि एचपी यूनिवर्सल। ठीक है, तो जो प्रिंटर नेम आपका होगा, जो ड्राइवर प्रिंटर नेम जो यहां आपको दिखता होगा यहां पे, वो प्रिंटर नेम आप दे दीजिएगा तो आपको उसी सर प्रिंट करेगा। और उसके बाद आप यहां पे बटन दीजिए, यहां पे आप बटन बना दीजिए भाई ये हमारा पहले वाले से प्रिंट होगा और दूसरे पे हमारा दूसरे में से प्रिंट होगा। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन हमने क्या लिया, तो प्रॉब्लम थी कि वो प्रिंट जो है दो अलग अलग सीट पे प्रिंट का जब सेटिंग करे तो प्रिंट अलग अलग दो प्रिंटरों से प्रिंट होना चाहिए और उनको बार बार प्रिंटर सेट करने की जरूरत ना पड़े। विजय जी आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए अल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर, हाँ नहीं अल्ट प्लस आर। और छोटे मोमिन जी और okay. जो बायो से किसने ज्वाइन किया है, बायो मोबाइल से, वीवो मोबाइल से, सॉरी वीवो मोबाइल से किसने ज्वाइन किया है? एक्चुअली मुझे हेलो हेलो हाँ कोडिंग में मुझे एक, हाँ कोडिंग में मुझे एक क्वेरी है, हमने कोडिंग में, अब अगर कोडिंग में जाएंगे तो वहां पे आपने फॉल्स क्यों लिखा है, ट्रू क्यों नहीं लिखा? हाँ इसलिए फॉल्स लिखा यहाँ पे क्योंकि इसमें जो था, हाँ इसमें फॉल्स लिखने का रीजन ये था कि यहाँ पे प्रीव्यू, मुझे प्रीव्यू नहीं चाहिए, मतलब कि प्रिंट लेने से पहले, प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू दिखाएगा आपको, तो क्या आपको प्रीव्यू की जरूरत है, तो ट्रू लिखी, जरूरत नहीं है तो फॉल्स लिखिए। ओके समझे, तो मगर आपने एंड में लिखा था वो फॉल्स, एंड में नहीं लिखा यहां पे, नहीं ओके ओके हां सीक्वेंस है ना, देखिए पहला प्रॉपर्टी दूसरा टू है, सीक्वेंस ऑफ कॉपीज है। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, इसलिए बताना जरूरी था तो हमने बता दिया, टॉपिक पे हम बैक कर।